आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और आज है वैलेंटाइन डे यानी कि संडे और 14th फेब। सो मैं लाल लाल परी बनी हुई हूँ और इयररिंग्स भी मैंने लाल पहने हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर यानी कि कुछ सामान, थोड़ा बहुत जो सामान नहीं बोल सकते, शॉपिंग बोल सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए बाहर जा रहे हैं। तो मैं रेडी होने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट, यानी कि मैं कुछ सोच रही थी कि मैंने सोचा कि मैं हनी को कुछ दिलाती हूँ, यानी कि उनको मैं आज सोच रही थी कि उनको लिए टी शर्ट्स वगैरह लेना है, शॉपिंग करा देती हूँ जीन्स वगैरह के लिए। तो मेरी तरफ से वो गिफ्ट उनके लिए हो जाएगा, कुछ यूनिक सा कलर चूज़ करेंगे, अगर मिल गया तो ब्लू कलर को छोड़ के तो वो देखेंगे। और तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और अभी मैं अपना दूध बना के लेकर आई थी तो दूध भी पी लेती हूँ, और हनी का भी बना के लेकर आई हूँ, उनको भी पिला देती हूँ। और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैं मतलब ड्रेस चेंज की है मैंने, और अभी ईयर वियर्स बनाऊँगी। वैसे तो मैं ओपन ही रखूँगी, बिना स्वेटर के जाने का सोच रही हूँ, बट पता नहीं मुझे जाने देंगे कि चल लेके चलेंगे कि नहीं बिना स्वेटर के, क्योंकि वहाँ एसी भी चलेगा ना। आज हम लोग मॉल वॉल जाएंगे, मतलब एक छोटा सा मॉल है वहीं जाएंगे, और कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे तो नहीं जाएंगे। और मैं अभी अपना दूध फिनिश कर लेती हूँ। तो चलो मैं मेरा भी दूध फिनिश कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हम रेडी हो चुके हैं, देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, पूरी रेड रेड बनी हुई हूँ आज तो। आज तो मैंने मैचिंग की पूरी बिंदी में, तो वैसे बिंदी मैचिंग ही लगाती, बट आज मुझे इत्तेफाक से बिंदी भी मुझे रेड मिल गई सामने, तो मैंने लगा ली। और मेरी हेयर्स देखो, और देखो बेडशीट भी रेड रेड है, मुझसे मैच हो गई है एकदम। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। बट ये पर्दा लग गया, लगा दिया, चलो चलते हैं। क्या हुआ? तो आपके पास है ना वो, तो चलो और दिखो बाद में लेती हूँ। मैं स्लीपर पहन के मैं रेडी हो जाती हूँ। हम लोग निकलने के लिए अब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, फॉलो यू। तो पहुंच चुके हैं, ये देखो हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं। और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर डायरेक्ट आए हैं क्योंकि यहाँ पर सारे मेंस वियर फर्स्ट फ्लोर पर थे, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर डायरेक्ट आ चुके हैं। और यहाँ पर हनी अपने लिए टी शर्ट देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टी शर्ट ढूंढ रही थी, बट फिर मुझे दिख गया मिरर, तो मैं थोड़ा सा मिरर में अपना जलवा दिखाने लगी हूँ। तो यह खुद से ही मैं अपने से पोज मारे जा रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी, क्योंकि हनी अपने लिए टी शर्ट देख रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना जलवा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हनी यहाँ पर अपने लिए टी शर्ट देख रहे थे, जो भैया थे वो भी बहुत हेल्प कर रहे थे उनकी। और यहाँ पे मैं मॉल को थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा शूट करी थी। और पता है यहाँ पे अपन लोग शूट करो ना, तो कहीं पे भी जाओ तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करो तो लोग बहुत घूर घूर के देखने लगे, थोड़ा सा लग रहा था मन में, बट एनीवे कोई बात नहीं, उनका ब्लॉगिंग तो करती हूँ तो क्या डरना किसी से। तो मैं शूट कर रही थी अपना ब्लॉग। हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस देखी हुई हैं जिसको हनी ट्राई करने के लिए गए हुए हैं, अभी वो जैसी आएंगी उसमें से कुछ फाइनल होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता, बाकी मुझे जो उन्होंने जो ड्रेसेस लिए ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो देखो मैं बताती हूँ। ठीक लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला फिर से पहन के आना,
अभी 4 हमने फाइनल की हैं, उसमें से भी हनी को कोई से अच्छी लग रही, कोई से नहीं अच्छी लग रही है, तो देखते हैं कौन से अच्छी लगेगी तो वो लेंगे। तो अभी आ जाए एक बार और देखते हैं। अभी एक रेड वाली ट्राई की है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। इधर सामने कैमरे में देखो। चलो अभी यानी ट्राई कर लेते हैं और मैं एक दो और ढूंढ लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि अभी उनको सिर्फ दो ही टी शर्ट्स पसंद आई है, 4 हमने चूज की थी उसमें सिर्फ 2 पसंद आई है, तो मैं 2 और देख लेती हूँ के बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अब ये देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं, यानी कि वुमेंस वेयर में हम लोग आ चुके हैं। तो कितनी कलरफुली कुर्ते और लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने लिए कुर्ते देखने आई थी, बट मुझे कुछ ये जो नीचे रखे थे कुर्ते इनमें से कुछ खास पसंद नहीं आए हैं। तो एक आज जो कुर्ता पसंद आया था वो आप लोगों को आके दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए मुझे एक जो कुर्ता समझ में आया, मतलब मुझे अच्छा लगा और हनी को भी बहुत अच्छा लगा, तो ये वाला कुर्ता हम लोगों ने लिया। और मैं यहाँ मटक मटक के आप लोगों को दिखा रही थी अपना कुर्ता। और यहाँ पर हम लोगों का बिलिंग हो चुका है, यानी कि हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, तो हमारा बिलिंग हो गया था। तो बट हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, भैया हमारे लिए कुछ लेकर आ रहे थे, तो अब वो देखिए क्या है, ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि 5 मिनट रुकिए मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ। तो वही हमारे लिए लेकर आ रहे थे और अब हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं कैफे में कुछ खाने के लिए, वैलेंटाइन सेलिब्रेशन करने के लिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम बाहर जाएं और कुछ खाए नहीं। चीज की वेज नहीं, वेज वेज वाले फ्राइड ना, फ्राइड स्टीम स्टीम वाले नहीं अच्छे लगते मुझे। हाँ मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से कि हाँ हम लोग बाहर आए और कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ खाने के लिए आ गए हैं और अभी पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। और आज हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग भी की है, यानी कि इन्होंने मुझे भी कराई है और मैंने इनको भी कराई है, दोनों ने एक दूसरे को कराया है, तो क्रॉस हो गया है। लेमन सोडा स्वीट है कि सॉल्ट है? मिक्स हो जाएगा, मिक्स नहीं हो रहा। क्यों? सॉल्टेड हो जाएगा, स्वीट नहीं हो रहा। सॉल्टेड ले लो, सॉल्टेड ले लो। ये देखिए हम लोग का मील्स आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, मोमो है, सैंडविच है, पेस्ट्री है और कोल्ड ड्रिंक है। तो जिस जिसको भी खाना हो, जिस जिसके भी मुंह में पानी आ रहा है तो फटाफट आ जाओ, वरना मैं तो लग गई हूँ खाने में, तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अभी मैं अपना मील इंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हम लोग घर आ चुके हैं और खा भी लिया हम लोगों ने, शॉपिंग भी कर ली हम लोगों ने, बस आके अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। और मैं देखो आ तो गई थी पर मैं ना बैठी रही और कपड़ा भी चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा थक गए थे तो आराम कर रही थी। मतलब ऐसे बैठी हुई थी, बातें कर रही थी और जो शॉपिंग के लिए लेकर आए थे ना, बस वो देख रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, पर अभी नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और क्या कहूँ, बहुत थक गई हूँ मैं अभी भी ना, नीचे से आई हूँ मोटर चालू करके, तो मैं थक गई, मेरी सांस फूल रही एकदम से। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज, तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना ही बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरा ड्रेसअप भी कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेशन किया वैलेंटाइन डे, तो हम लोग गए थे कैफ़े और वहाँ पर हम लोगों ने लेमन सोडा पिया और हम लोगों ने पेस्ट्री भी खाई, पाइनएप्पल वाली, मोमोज खाए, सैंडविच खाया। सैंडविच कौन सा खाया था अपन ने? मैक्सिकन सैंडविच खाया था हम लोगों ने, मुझे उसका नाम नहीं आता क्योंकि ऑर्डर इन्होंने किया था ना, तो मुझे पता नहीं था। मैक्सिकन वाला ऑर्डर किया था, अच्छा था टेस्ट, पर थोड़ा सा स्पाइसी कम था। मुझे बोला था कि स्पाइसी करा देना, बोलना उसको, जब वो बोलने आया था ना तो मैं बोलना भूल गई उनको कि स्पाइसी करना, वो थोड़ा सा स्पाइसी कम था, बट अच्छा था। हम लोगों ने तो इन्जॉय किया हमारा वैलेंटाइन डे। और मतलब पता, आज बहुत एक अच्छी बात है कि आज के ही दिन, मतलब आज से हम लोग 3 साल पहले फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, तो ये दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। तो हम लोग
हमारे लिए तो वैलेंटाइन डे तो है ही है, बट आज हमारे लिए ये भी था कि हम लोगों ने आज पहली बार बात की थी, SMS के थ्रू हम लोगों ने पहली बार बात की थी। फोन पे तो हम लोगों ने 16 फेब को बात की थी। हाँ, 16 फेब से हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी फोन पे, और SMS पे हम लोगों ने 14 फरवरी से बात की थी। तो हम लोगों के तो लाइफ में बहुत ही अच्छा दिन है ये, और हमारे लाइफ में हमेशा ये वाला दिन जो रहता है ना, बड़ा स्पेशल रहता है, क्योंकि आज के ही दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमने एक दूसरे को जाना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डे था। और मतलब मैं फीलिंग जो है ना, वो मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बोलूँ। ये दिन हमारे लिए तो बड़ा स्पेशल, और आज का दिन तो हम लोगों ने ऐसे बाहर जाके थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया। और मेरे बाल देखो कैसे हो रहे, बस मैंने आके क्लेचर लगा लिया और कुछ नहीं किया। मैं क्लेचर निकाल देती हूँ। चलो, ये वाला वीडियो ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।